हाँ भाई, गैंग के बंदे कहाँ घूम रहे हैं? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर किस टाइम आओगे तुम स्कूल में? किस टाइम आएगी बस? अच्छा, गरीब मार हो रही मतलब क्या? पीछे जाने वहाँ भी चल जाया करो, मंदिर मंदिर माँ रोज जाओ तुम। फिर तुम कितने बजे उठा भाई? ओ तेरे 6 बजे उठ जाओ भाई, ये बंदा में लेट हो गया आज तो भाई। मैं जाऊँ फिर मंदिर में, देख चेक करो यहाँ नया छल्ला, महंगी बातचीत कर रखी है तेरे भाई ने। BMW वाला छल्ला ले लिया, BMW की बाइक लेंगे बस थोड़े दिनों में, ठीक है? बातचीत अलग हो जाएगी थोड़े दिनों में। ले मंदिर में आइए भाई सुबह सुबह, देखिए बंदा भी काम कर रहा है यहाँ पर। हेलो, कैसे हो? ये हमारे पंडित जी का कुत्ता है, इसका नाम मुझे नहीं पता लेकिन इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, हमेशा ही श्री राम दरबार में रहता है, यहीं पे बैठे रहते हैं, तो वाकई में किस्मत अच्छी है इसकी, इधर उधर नहीं भटकता, यहीं पे रोटी मिल जाती है इसे। मजे हो रहे तेरे तो, प्रसाद खावा भाई, राम जी के घर रहो और किसी। ये भाई साफ सफाई कर रहे हैं हम, शिव शंकर भगवान जी, ये शेष नाग है, जय हो नंदी महाराज। चीत कैसी है मार्केट में? ठीक है, जय सीताराम। सो गाइस, ग्रीनरी चेक कीजिए, वाओ हमारे मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में बहुत अच्छी अच्छी ग्रीनरी है। और गाइस मैं आता हूँ हर रोज मंदिर में, छोटा भाई सेवा करता है शिव शंकर भगवान की, हम करते हैं बजरंगबली महाराज की, एक ही बात है वैसे तो। ये देखिए गाइस, यहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ो, दुख संकट दूर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। हनुमान चालीसा उठाओ और यहाँ पर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो तो आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। सो गाइस, ऐसे है कि भाई हम व्लॉग्स बना रहे हैं, भाई आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, गलत बात है, या फिर मैं सही टाइम पे नहीं डाल रहा था व्लॉग्स अपने, तो इसलिए नहीं कुछ व्यूज़ आ रहे थे, तो आपसे मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पर थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखाऊँगा, थोड़ा ध्यान दूँगा, ऐसे ही नहीं बनाऊँगा वीडियोज़, तो थोड़ा ध्यान दे के वीडियोस बनाऊंगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तुम्हारा भाई बहुत भयंकर कुछ करने वाला है, सो सपोर्ट करें यार, सपोर्ट करोगे तभी मजा आएगा भाई। 10 की 10 का दूध भाई, खट्टू श्याम बाबा को तैयार करना है, आज काजसी है शायद, पता नहीं क्या, मैं इतना अपना कुछ पता नहीं है इसके बारे में। ये लक्की बॉय है ब्रोय, लक्की बॉय, लक्की बॉय, लक्की बॉय। ये अपनी बाइक खड़ी है गाइस, दिवाली ने बना दिया था मुझे बिना बात ही सोचनी नहीं होएगी, दिया रुक जा। हाँ ये कट रही है यहाँ से किंग आ रहा जनरेटर का, गलत डिसीजन था ये तो। ये बोल रहा है मेन तार तो यू है, मेन तो ये रही मात्र, ये टाँनी पड़ेगी ना दिवाली बन जाएगी, एमसी की रही इसकी कोई लाइट ड्रिम तो, लाइट ड्रिम तो वहाँ पर लाइट तो आ रही, मंदिर तार ड्रिम तो नहीं।
मेन तार टा रखी थी अपना कहाँ मंडा रखी अब कट गया। सो गाइस ऐसा है कि मंदिर की मेन लाइट हटी हुई है, यहाँ इन्वर्टर बिल्कुल डाउन हो गया है और जनरेटर लगाना हमें आता नहीं, तो ऐसे ही कर देंगे हम तो काम। खाटू श्याम बाबा थोड़ी ना बोल रहे पंखा चला कर करो भाई मेरी सेवा, जय बाबा की अभी कर देते हैं स्पीड में, सेवा के लिए हम हाजिर हैं। अच्छा इस तेन आना पड़ेगा फिर बाबा पंचमृत भाई। अभी मंदिर से बस पूजा कर कंप्लीट करके आए हैं और बाबा खाटू श्याम को नुमा के आए हैं, सजा के आए हैं, कल कीर्तन है। ये रोटी नहीं मिल रही हमें आज माँ। ये अंधेरे में क्या कर रहे हो तुम? कहने का कि छुट्टी आ गई। छुट्टी फिर क्यों कर ना, फिर छुट्टी करने का क्या मतलब? अजीब काम नहीं करा तो जाओ स्कूल में, रैपटे लगन दो माँ। ये चक्कर है क्यों नहीं गई? यो के चक्कर है, काम नहीं करा छुट्टी मार लेगी। एक तो काम नहीं करती उल्टा ऊपर तेरे छुट्टी मारा है। मम्मी नु किस तरह कह दिया मम्मी ना, तो ने बात मान ली माँ इसकी। हाँ काम नहीं हो था ना, नहीं उल्टे सीधे काम सिखा दिए तुम्हें बिन बात तो ही। छुट्टियां मार ले, काम नहीं कर तो छुट्टी मार लो। ऐसा धरूंगा थप्पड़ यही बेहोश हो गिर जाएगी, समझ गई? जो अटका मना दिख गया भाई, तना काम नहीं करा स्कूल कर तो स्कूल में नहीं गई। ये बाल की नगा टक गए थे, ये काम ये तो काम बढ़िया होता ना। ले इसका लिया तो मैडम से बात कर कहूंगा इसकी। काम क्यों नहीं करा फिर तना, नू तो बता। यो भाई छोरी बहुत जमी कति खराब होगी, जमी निपट दियो और जमी काम नहीं कर दियो, जमी लोफर होगी लोफर। अरे इसका बजने वाले हैं, इसका भाई बजे करेंगे मेरे पते, बहुत लाडो में चढ़ा दी मैंने यो ना। इसकी बात बीमार दी, 3 दिन में आई तेरे लो आज? कितने दिन में आई है? किसकी घड़ी? अच्छा की घड़ी है तो उठा रही फिर इन्ना खराब हो रही फिर इन्हू घेरो गए थम राम तेरा खरीटा इन्ना खराब हो रही, इसका मतलब तोड़ दो थम इन्ना। चाचा ने पैर रखी हो तुम्हें गई कौन स्कूल में? मेरा तो गुस्सा आ रहा तेरे पाज, चाची से पूछूंगा मैं, ज्यादा ही लड्डू में चढ़ा दी मन तेरे को। मतलब हम ना खाटू श्याम महाराज जी नु आए और फिर सजाए और क्या चक्कर है तेरा? इसका बजेंगे भाई मेरे पे दे, इसका रैप्ट लगने वाले हैं, मुक्के भी लगेंगे इसका, ज्यादा है वो बाजी लेगी वो। तो गाइस आज का दिन पूरा है, इसको पिटने भी लगेगा। पढ़ा हुआ भाई यानी पहले भाई बहुत आया करती हमारे घर, लेकिन तो बांधी नहीं बाप समझ जो वीडियो में क्यों नहीं आ रही कनी का, वो पढ़न वास्ते इमाम इस पढ़न वास्ते कहो बात जाए यहाँ पे, इस चक्कर में वीडियो में भी नहीं आंदी ना हमारे घर आंदी। यो इसकी कहानी चल रही है आजकल, और मैडम ने कह भी दिया एक बार तो फैल होगी वो, फिर मैं बात करके था मगर मैडम जी कोई बात नहीं पढ़ेगी वो, थोड़ी सी छोटी थी उस टाइम तो। अरे बीविया कल नहीं आई ना, पढ़ती नहीं वो, कद ना पढ़ाना शुरू करेगी जो बुढ़ी हो चुकी थी, पढ़ेगी के जी नहीं लगता पढ़ाई माँ, गोबर डुबान पर लगा दू। फिर 2 मैस लेंगे गाइस, हम 2 मैस लेंगे और फिर मैं घास लेकर आया करूंगा, और जब वो घास खाएंगी तो फिर वो जब घास खाने के बाद गोबर करेगी वो कनिका उठाएगी, या तो पढ़ ले या फिर मैं मैस लेकर आऊँ दो हनी भाई गाइस, या तो ये पढ़ेगी यानी फिर मैं 2 मैस लेकर आऊंगा भाई, ये बात डिसाइड होगी ठीक है। अरे नहीं पढ़ेगी तो फिर भाई मैसों को गोबर उठाना पड़ेगा कनिका ना, और मैं वीडियो बनाया करूंगा। ये देखिए गाइस कनिका मैसों को गोबर उठा रही है यहाँ पर, पढ़ा कर बब्बो पढ़ लगा, तो क्यों नहीं पढ़ दिया तू तो? रोटी खाई है पढ़ दी कुनिया तू तो? तो अभी जा रहे हैं हम बुड्ढा खेड़ा, और बुड्ढा खेड़ा में काम है, इस फाइल पे साइन करवाने हैं गाइस, चाचा की फाइल है और भाई लास्ट प्रोसीजर है ये बस, फिर इसके बाद चंडीगढ़ जाएंगे इस फाइल जमा कराना। ये बहुत मुश्किल से साइन करवाए इसके आज, और अब जा रहा हूँ सीधा पटवारी के पास, अब पटवारी देखते हैं कितने नखरे करेगा, लगाइए की डालियों नखरेगा आज, अभी एक साइन नहीं एक मोड़ के चक्कर में दिमाग खराब करता, मतलब बड़ा बुरा काम है भाई यो, मतलब जो अपना साइन वैन करवा कागज दे हो, बहुत बेकार काम है, बहुत ज्यादा मतलब रिक्वेस्ट करनी पड़ा दक्क दे फिर भी नहीं करते, फिर भी टाइम पैसा खराब। सो गाइस भाई आ गए हम करनाल बुड्ढा खेड़ा पटवारी के पास, अब देखते हैं क्या सीन है हमारी फाइल का, अब साइन करेगा क्या नहीं भाई। हाँ जी है सारा कुछ है इसमें, चंडीगढ़ देखा नहीं जी पटवार खाना है पूरे देख सकते हो। मंगलवार में आइए, मंगलवार में ठीक है, थैंक यू।
बुड्ढा खेड़ा आ ही गए थे भाई, तो फिर मैं अभी केयर में आया हूँ बोट के। और यहाँ पे मेरी वॉच स्मार्ट वॉच ख़राब हो गई थी जो कि वारंटी में थी, और वो चेंज होने के लिए दी थी। और मैं परसों भी आया था, उन्होंने मेरे को 4000 की वॉच के बदले 2000 की वॉच दे दी, मैंने वापस दे दी उनको। मैं भाई मेरी वॉच नहीं आई, आज उनके लिए बहस होगी, मैडम की कल छुट्टी थी, तो देखते हैं भाई क्या होएगा क्या नहीं। कुछ भाई कंपनी वाले बहुत साने बनते हैं भाई, 4000 रुपए की वॉच ली मैंने स्मार्ट वॉच, और भाई वो 2000 रुपए की बाद में चेंज करके दे रहे हैं, कह रही ये वही मॉडल है। अरे भाई मॉडल वही हो, मुझे तो पुरानी दो मेरी जो मैंने 4000 में ली थी। अब ये क्या मतलब हुआ भाई कि मतलब आप सर वो मॉडल पुराना है, आप नया मॉडल है, सेम नाम से आप 2000 रुपए का प्रोडक्ट हमें हम पे चेप रहे हो, ऐसे अच्छा थोड़ी ना है। और मार्केट में हम ये वाली वॉच लेने जाएं 2000 वाली नहीं मिलेगी आपको, ऑनलाइन मिलेगी, क्योंकि ये बहुत सस्ती है, उसी नाम से बनी हुई है। मतलब बहुत तगड़ा फ्रॉड चला हुआ है गाइस, अगर आप रिप्लेसमेंट पे डालते हो तो सेम क्वालिटी वाली चीज़ लीजिए। बहुत तेज बनते हैं भाई कंपनी वाले, बहुत साने हैं। तो भाई मैंने लेने से मना कर दिया, मेरा रिफंड कर दो, जितना मैंने पे किया था उतना मुझे वापस दो। तो अभी बोल रहे हैं कि ये तक बता दूँ आपको मंडे तक। सो गाइस अभी बस घर चलते हैं भाई, आज हमारा काम इतना ही था, बुड्ढा खेड़े में हमें फाइल देनी थी, और फिर आज जाते जाते हमने वॉच के बारे में पता कर लिया, मैंने रिप्लेस पे डाल दिया उसे, और बाकी देखते हैं गाइस अगर रिप्लेस होगी तो अच्छी बात है, पैसे मिल जाएंगे हमें, हम नई वॉच ले लेंगे या फिर हम कुछ और सामान ले लेंगे। अगर वॉच मिलेगी तो भाई सेम लूँगा मैं अपनी वॉच, सेम जैसे मैंने ली थी 4000 रुपए की 5 की, तो मैं सेम लूँगा, कोई मॉडल चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम पुराना मॉडल चाहिए भाई। उस मॉडल की क्वालिटी और फीचर देख के वॉच ली थी, ना कि जो ये दे रहे हैं, ये पागल बना रहे हैं भाई। तो मैम समझ गई है मेरी बात कि हम आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, इन चीज़ों में निकले हुए हैं भाई, हाँ नहीं ये नहीं आएगा क्लाइंट हाथ में, तो इसे पैसे देने पड़ेंगे। मैम ने बोला है कि मैं मेल डाल देती हूँ और फिर आपको मंडे को आप पता कर लेना। मैं कहा थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। खुश होगी मैडम भी, कह रही हाँ भाई ऐसी बात नहीं है कि जो आप देना चाहोगे हम वही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता ना। सो भाई थोड़ा सा जिनका यार वारंटी से पहले कुछ सामान ख़राब हो जाता है तो अच्छे से देख के लो यार, अच्छे से देख वेख के लो, क्योंकि भाई लोग बहुत तेज हैं और कंपनी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा तेज है। कंपनी एक प्रोडक्ट के 2-3 प्रोडक्ट बना के रखती है, और जैसे आपको पहले तो बहुत अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट देगी मार्केट में जो आप जब आप लेने जाओगे, लेकिन वही प्रोडक्ट अगर आपका ख़राब हो गया तो उसके बदले में आपको थर्ड सेकेंड पार्टी वाला ऑर्डर देगी जो मतलब बहुत ठीक ठाक रेट में बना होगा, और मतलब आधे रेट में लगाओ तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है भाई, थोड़ा सा ध्यान से अगर आपका कोई वारंटी में सामान ख़राब होता है तो उसे एक्सचेंज कराते हो तो अच्छे से एक्सचेंज कराओ, देख के अच्छे से। भाई बारिश होने से पहले घर आ गए हम, खतरनाक बारिश हो रही है भाई, खतरनाक लेवल की गाइस, बहुत भयंकर। पकोड़े बनने जा रहे हैं आज घर में, बातचीत पकोड़ो वाली टिंकू खुआएगा आज अपने हाथ के पकोड़े। ना ज्यादा नहीं गोली है मम्मी कह रही, पकोड़े 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 के गिरेगा इसमें मैदा, और बस सिर्फ घंटे हैं, बंदे सो रहे हैं हमारे यहाँ पर, रसोई में की बनाना रहे, रसोई में टिंकू पकोड़े बनाना रहे और के आज पकोड़े खड़ाएगा टिंकू मानना अपने हाथ के बनाएगा, बारी सारी बार जाइ थे ये बातचीत पकोड़े खाने के लिए तैयार मुंह में। ना टिंकू कर रहा अपने एक्सपेरिमेंट, हो तो पहले यूट्यूब पर चेक करो बंदे ने कैसे बनाते हैं पकोड़े हैं, इन्हें चला लेना गर्म हो जाते, पहले तेल ना सही गर्म हो जाते गर्म बारिश ने और तेज प्रकोप दिखा दिया गाइस, तो पकोड़े और ज्यादा जल्दी बन रहे हैं अभी, पकोड़े 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 पकोड़े, ये पकोड़े तैयार हो गए हैं। मम्मी खाना ले, खा के देख, खा के देख एक बार रीटा, चटनी के लो मजा आ रहा है, ऊपर से दही मंट बोलो। केक वा तू थोड़े से और क्यों देता सर दे, टाइम पाना चाहिए टाइम पा, यहाँ डब्बा खाली होगा हमारा नुकसान है, ना रहने दे खा ले, नहीं खा ले तो जीप लपेटे दे रही हो तो मजा आ गया, पकौड़े खा गा।